यस। जग्गा बद्री जेल से भाग गए। क्या? हेलो, जग्गा बद्री जेल से भाग गए। क्या? मैं अभी आ रहा हूँ। दोबारा केंचल उतारी है, मगर इस बार नहीं बचोगे बच्चों। क्या हुआ? क्या हुआ? पेट्रोल खत्म हो गया सारा। हाइकिंग के लिए निकले थे, मोटरसाइकिल खराब हो गई। अगर आपसे कुछ सहायता मिल जाए तो। ये गैराज बंद हो चुका है, फिर भी आप लोग यहाँ रात गुजार सकते हैं। ले लो, बैठो। कुछ लेंगे? जी नहीं। आप अकेले रहते हैं? बिल्कुल अकेला नहीं, मेरा एक अतीत भी है, इस मुहर की तरह। इसके साथ जुड़ा हुआ इतिहास ही इसकी कीमत है। मैंने जंग के मैदान में लोगों को दम तोड़ते देखा है। जिसने मौत देखी हो वो जीने से नहीं डरता। आई हेट सुसाइड, आत्महत्या से नफरत है मुझे। खुदकुशी का मतलब है अपने आप से धोखेबाजी। इसलिए कल के अखबार में मैंने एक इश्तेहार दिया है और उन लोगों से अपील की है जो जिंदगी से बेजार हैं। किसी को हिम्मत देने के सिवा कर भी कह सकता हूं। अरे हाँ, मैं अपनी बातों में उलझ गया। आप पढ़े लिखे दिखते हैं। जी, लॉ के स्टूडेंट्स हैं, कायदे कानून में दिलचस्पी रखते हैं। चोर उचक्कों की तरह आपके घर में घुसाए, अगर ये कपड़े ना पहने होते तो मुश्किल हो जाता है पहचानना कौन राजा है कौन सिपाही। कपड़े क्यों नहीं बदल देते? जाइए जाइए, बिल्कुल खराब हो गए। जी नहीं, रहने दीजिए, बेकार। नहीं, नहीं जाइए, नीचे बेसमेंट है, वहां अलमारी में मेरे कुछ पुराने कपड़े पड़े हैं, जाइए पहन लें। जाइए जाइए। जी
ये तू पहन ले, ये अच्छे हैं। यार जगह तो अच्छी है लेकिन बहुत इमोशनल है बुड्ढा। एक विशेष प्रसारण, दो खतरनाक कैदी जेल से फरार हो गए हैं। उनका हुलिया इस प्रकार है, नाम जगमोहन शर्मा उर्फ जग्गा, उम्र 36 वर्ष, कद 5'9", रंग भूरा, बालों का रंग भूरा काला, नाम बद्रीनाथ चावला उर्फ बद्री, उम्र 38 वर्ष, रंग काला, बालों का रंग काला। सभी लोगों को सचेत किया जाता है कि ये दोनों कहीं भी नजर आए तो फौरन पुलिस से संपर्क करें, पुलिस कमिश्नर क्राइम ब्रांच। एक जैसी शक्लें दिखती हैं सबकी, असली हो या नकली परखना मुश्किल हो जाता है। किसकी बात कर रहे हैं साहब? साहब नहीं सर, तुम दोनों की शक्लें मिला दी जाए तो एक ही सिक्का बनता है, वो भी खोटा धोखेबाज। नई जिंदगी देना चाहते हो उन लोगों को, हमसे ही शुरू करो ना, हमें भी शुरू करनी है हमारी नई जिंदगी। बोलना चाहते हम हमारी ऊंचाई चौड़ाई रंग रूप काम धाम जो सिर्फ तुम जानते हो, तुम्हें मिटा देने से हमारा अतीत भी मिट जाएगा। नाम बदलने से सिया शेर नहीं बन जाता। चका, मैं सब कुछ देख लेता हूं।
बद्री हाँ। वो गोली मुझसे घबराहट में चल गई थी। मैं तो समझता था कि तुम डरपोक हो, लेकिन तुम न होते ना तो वो लंगड़ा मुझे हाथों से दबाकर ही मार डालता। थैंक यू बद्री। लेकिन साला मिलिट्री वाला था बड़ा ताकतवर। बद्री वो मैंने खून कर दिया, अब क्या होगा? बद्री अगर कहीं पुलिस को पता। घबराओ नहीं, अब हम दोनों साथ रहेंगे। अब तुम सिर्फ फोर्जरी के उस्ताद ही नहीं, खूनी भी हो। बद्री मजाक मत करो, मुझे डर लग रहा है। अरे जब तक बद्री तुम्हारे साथ है डरने की कोई बात नहीं। अरे अरे ये तो मेजर की इंश्योरेंस पॉलिसी है। साला भगवान देता है तो छप्पर फाड़ के देता है। हमारे खाने पीने का भी इंतजाम हो गया। कैसे? क्या तुम्हें मालूम है मैं इंश्योरेंस का एजेंट था? हाँ। और ये मेजर ने कहा था कि वो इस दुनिया में अकेला है, अब हम दोनों उसके रिश्तेदार बनेंगे। तुम नकली कागजात तैयार करो, बाकी काम मैं देख लूंगा। मतलब तुम यही रहोगे? मैं नहीं, हम दोनों साथ रहेंगे। हाँ, लेकिन अगर किसी ने या खुद पुलिस ने। तुम बेवकूफ हो, पुलिस ने अब तक चारों तरफ नाकेबंदी कर दी होगी। और टीवी पर हम लोगों का गुणगान सुनकर हम दोनों को कोई भी पहचान सकता है ना? हाँ, इसलिए बेहतर यही होगा कि हम लोग कुछ दिन यहाँ ठहरे। लेकिन बद्री, अगर मेजर की इस एड को पढ़कर कल लोग सचमुच आ गए तो? साला ये मेजर मरने वाले लोगों को यहां बुला। मरने वाले? क्यों ना हम यहां से भाग चले, यहां तो फंस सकते हैं। मेरे दिमाग में एक जबरदस्त प्लान आया है। क्या? अगर हमें कुछ लावारिस लोग मिल जाएं, तो हम इंश्योरेंस के पैसे वसूल कर सकते हैं। लेकिन बद्री वो मेजर तो मर चुका है। मेजर मरा नहीं, जिंदा है। कहा? तुम हो मेजर सावंत, और कल तुम कुछ ऐसे लोगों को सिलेक्ट करोगे जो इस दुनिया में अकेले हैं, जिनके न कोई आगे हो न पीछे। नहीं, मुझे ऐसा कुछ नहीं होगा। तुम वही करोगे जो मैं चाहूंगा। अगर तुमने मुझे धोखा देने की कोशिश की तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, समझे? आज तुमने जो खून किया है उसका मैं ही एक गवाह हूं। इसलिए तुम्हारी भलाई इसी में है कि जो मैं कहूं करते रहो। ठीक है, मैं वही करूंगा जो तुम कहोगे। हाँ, मैं अर्दली तुम्हारा। वासु मुदलिया। बैठो। और एक बात, तुम भूलकर भी अपने पैरों का इस्तेमाल नहीं करोगे, क्योंकि तुम अपाहिज हो। हाँ, एक बात, तुम सिर्फ हरे पेन का ही इस्तेमाल करोगे, क्योंकि मेजर ने हर जगह हरे पेन से लिखा है, समझे? वो तो ठीक है, लेकिन बद्री तुम। बद्री नहीं, वासु मुदलियार।
तुम दो दो बातें हमेशा के लिए भूल जाओ। एक मेरा नाम बद्री है और दूसरा तुम चल सकते हो। नहीं, मैं वासु हूँ, वासु मुदलियार, और तुम अपाहिज हो, समझे? अब तक तो ये लॉटरी छप चुकी होगी साली। सर पढ़ लिया ना आपने? बकवास है, क्या लिखते हो? अरे डायरी के पन्ने भर के कोई जर्नल से बनता है क्या? लेकिन सर, अरे उठाई कलम और घसीट दी चार लाइनें। सर आप... अरे ये कोई खाली जगह घर नहीं है, तुम जाके प्रूफ रीडिंग करो। इस रूटीन की जिंदगी से तंग आ गया हूं मैं। वही डेली प्रूफ, पीलियाओं का गिरे हुए पेपर, टेस्टलेस चाय। सोचा था जरूर बनूंगा, लेकिन जिंदगी अटक रह गई है। अब जीने से क्या फायदा? नहीं नहीं, क्यों और कहीं नहीं है क्या? मैं ही बचाऊं प्रश्न? क्या आप आत्महत्या करना चाहते हैं? इतनी नाउमेद न हो। खुदकुशी का ख्याल दिल में ले भटकते इंसानों को जिंदगी की दावत। मेजर विश्वास सावन। अब ये बात छोड़ दे अब्दुल मियां, जीना सिख जीना। माना के दोनों एक्सीडेंटों में सब सवारियां रब को प्यारी हो गई, उसमें तेरा क्या कसूर है भाई? माचिस सर, वो तो उनकी किस्मत थी। ओए तेरे वर्गा कोई फर्स्ट क्लास ड्राइवर नहीं है इस इलाके से? नहीं यार। अरे नहीं, पर वो ये भी कोई गाड़ी अपन चलाता है, मरते हैं साथ वाले लोग, अपन बच जाता है। अरे यार ओदे वास्ते क्या तुम खुद मरोगे? अजी पागल पड़ा यार। ओए करतार देख अब्दुल के मतलब की चीज है, इतने नाउमीद ना हो। खुदकुशी का ख्याल दिल में लिए भटकते इंसानों को जिंदगी की दावत। ओए एवे तेरे दिन नई जिंदगी। मजाक छोड़ यार, मुझे मालूम है तू इस वक्त कुछ नहीं सुनेगा, लेकिन कोशिश करने में क्या नुकसान है यार तुम्हारा? ये रख ले, तेरे पास रख ले यार। चल चल यार, चल उत्ते चल। मरने वाले सब इधर ही आते हैं, इनका गाना सुनना ही खुदकुशी है। मार डालती है साली, तुम्हें नहीं मरना? नहीं। Thank you.
गोंडिया क्या मारेगा मुझको, मैं ही सबको मारते आया हूँ, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। कौन हो तुम? मैं यहाँ काम करती हूँ साहब जी। ठीक है, अब यहाँ का काम मैं देखता हूँ। तुम्हारा पिछला हिसाब कितना है? हु? तुमको महीने के कितने पैसे मिलते हैं? 35 रुपए साहब जी। हाँ ये बोलो ना फिर। ये लो 100 रुपया, जाओ अंदर मत जाना। क्यों साहब? साहब को राम राम बोलने का है। मैं बोल दूंगा, जाओ। सुनो इधर आओ, आइंदा यहाँ मत आना, साहब ने बोला है, जाओ। वीएस जा रहे यही है? हाँ आइए। विश्वास सावंत वहाँ है? अच्छा। नहीं लेकिन अभी अभी यहाँ बैठो। एक आखिरी सवाल, कौन कौन है तुम्हारे घर में? 12 साल की उम्र में घर से भागा हूं साहब, कलाकार बनने के लिए। जिंदगी ने दो ही बातें सिखाई है मुझे, कलाकार का जन्म लेना पाप है और गोल्ड मेडल की कीमत सिर्फ 7.5 रुपए होती है। मिस्टर रमेश, मजा आएगा आपके साथ काम करने का, मुझे आपका सीधा साधा स्वभाव बहुत पसंद आया। थैंक यू सर। नेक्स्ट। तुम नहीं, तुम जाओ। प्रकाश राव कल, नाइस मीटिंग यू मिस्टर प्रकाश। सो यू गॉन थ्रू दैट एड? हाँ जी हाँ, हमारी अखबार में आया था आपका एड, प्रूफ रीडिंग करते वक्त पढ़ा। आपके एड का कंटेंट काफी इंटरेस्टिंग लगा मुझे। आपके यहाँ आने की वजह? मेजर साहब मैं तंग आ गया हूँ, वही गैली प्रूफ्स, पीलिया होकर गिरे हुए न्यूज प्रिंट्स, सड़ी हुई चाय। मेरे ख्याल से तुम पहले आदमी हो जो मेरे काम आओगे। काम क्या है? वक्त आने पर बता दिया जाएगा, पर यकीनन रूटीन वर्क नहीं होगा। थैंक यू। नमस्कार। मेजर विश्वास सावंत? मेजर सावंत। ये विज्ञापन आप ही ने दिया? करेक्ट। नहीं मेरा मतलब क्या है कि मैं एक सोशल वर्कर हूँ, एक संस्था के लिए काम करता हूँ। इसे मेरा क्या ताल्लुक? मेरा आना बुरा लगा है आपको? बुरा? मैं तुम्हारे लिए कुछ कर पाऊंगा या तुम मेरे लिए कुछ कर सकोगे मुझे नहीं लगता। अहंकार की बू आती है आपकी बातों से। अहंकार नहीं, सेवा वगैरह करने से आदमी बदल सकता है ऐसा मुझे नहीं लगता। मैं उसे जड़ से बदलने में यकीन रखता हूं। लगता है आज तक मैंने जो कुछ किया पागलपन था, और आज यहां आकर और एक पागलपन किया है, यह आप ही की कृपा से समझ सका। धन्यवाद श्रीमान जी, धन्यवाद। सदाशिव हो सिंह। हाँ, अरे रख लीजिए रख लीजिए। अरे होशिंग साहब। अरे नमस्कार फादर। आप यहाँ? अरे फादर समाज सेवा की कोई सीमा नहीं होती है। अच्छा ये तो सुना ही, आपका अनाथालय कैसे चल रहा है? हम कुछ हिम्मत करें? गॉड ब्लेस यू डियर। पुणे जा रहा था, सवेरे सवेरे गाड़ी तकलीफ देने लगी, ये गैरेज देखा। अरे फादर यहाँ गाड़ी की मरम्मत नहीं बल्कि समाज सेवा होती है, आत्महत्या से लोगों को बचाने का काम यहाँ चलता है। गॉड ब्लेस देम, प्रभु तुम सब की रक्षा करें। चलिए होशिंग साहब फिर कहीं और देख लेते हैं। चलिए आइए। गॉड ब्लेस यू फादर। वीएस गैरेज बॉम्बे पुणे रोड, पता बराबर है ना? हाँ क्यों ना हो चाय भाई लोग, हाईवे पे अपना बहुत वट है,
और क्यों ना हो, तकदीर के लाइन से ज्यादा रास्ते पहचानते हैं अपन। ये देखो जिंदगी की लाइन का पूरा हाईवे बन गया। माफ करना साहब, बकबक करने की आदत है अपन की। सलाम साहब, नाचिस को अब्दुल कहते हैं यार लोग। यार लोग, इस पादरी को पहचानते हो? नहीं साहब, लेकिन अब उनका आदत है, कोई मुल्ला मिल गया तो सलाम अलैकुम, पंडित मिल गया तो राम राम, और फादर मिल गया तो गॉड ब्लेस यू बोल देता है। गॉड ब्लेस यू वो तुम्हें कहेंगे, तुम नहीं। ऐसे कैसे साहब, उनकी भी तकदीर है, वो भी इंसान है, कोई नहीं बोलता, मैं बोलता हूँ। यहाँ किस लिए आए हो? ऐसा क्या कर रहे हो साहब? वो अखबार में आपने इश्तेहार दिया था, खुदकुशी मत करो। खुदकुशी क्यों करना चाहते हो? क्या ऐसा, वो आपको अजीब लगेगा लेकिन सच है। अपन पहले टैक्सी चलाता था, MRP 7890। तो एक दिन बैठ के अपन निकले, पैसेंजर बैठे थे, सामने से ट्रक आया, ठोक दिया। वैसे तो हिसाब से अपन को मरना चाहिए, पूरा व्हील अपने सीने में घुस के, लेकिन अपन बच गए और चारों के चारों पैसेंजर वनटास हो गए, पैरे हो गए अल्लाह को। खुदा गवाह है उस दिन अपन रूह से नमाज पढ़े साहब, मान लिया ऊपर वाले को। साहब दूसरी बार पटाखे का ट्रक भर के जा रहा था, अपना क्लीनर गाड़ी में सोया था अंदर, मालूम नहीं कैसे आग लग गई। अपन तो बच गया साहब, लेकिन उसका कोयला हो गया साहब, कोयला हो गया उसका। उस दिन से अपन को नींद नहीं आती साहब, अपने कान में आवाज गूंजती है, अब्दुल तो मौत का फरिश्ता है, ये हाथ फांसी का फंदा है साहब। उस दिन से अपन डरने लगा साहब, अपन को ड्राइविंग के सिवा और कुछ नहीं आता साहब, और दोबारा व्हील पर बैठने का अपना जिक्र नहीं है, अपने को डर लगता है सर। बस यही एक सर इंटरेस्टिंग केस। तुम्हारे घर में कोई? अपना राह देखने वाला कोई नहीं, अपना अपन अकेला। वासु? हाँ जी। इनसे मिलिए, वासु है मेरा अर्दली, मतलब पहले जब मैं आर्मी में था, अब मेरे साथ काम करता है। दोस्तों, खुश हो गया हूं मैं आप लोगों से मिलकर। दिलो दिमाग से आप मेरे साथ काम करना चाहेंगे? सॉरी मेजर साहब, मुझे नहीं लगता कि मैं यहां नौकरी के लिए आया हूं, ऐसा होता तो पहले नहीं छोड़ता आपके यहां के बिना। मुझे लगता है आप सब लोग उलझन में पड़े हुए हैं, और एड को मिला रिस्पांस देखकर मेजर साहब भी कुछ अनइजी हो गए हैं, इसलिए हम सब लोग शाम को 7 बजे फिर से मिलेंगे तो बेहतर होगा। वासु ने अपनी गाड़ी दिखा दो। मैं हूं ना। आप लोग बाहर चलिए, मैं मेजर साहब को बेसमेंट में छोड़कर आता हूं। एक रिक्वेस्ट और, बेसमेंट में कोई नहीं जाएगा, मेजर साहब अपने प्राइवेसी में किसी का दखल नहीं चाहते। मेरी तो जान ही निकल गई थी। अरे यार तुम लंगड़े हो, बैठ जाओ, कोई देख लेगा तो हम दोनों फंस जाएंगे। लेकिन अभी कुछ मत बात करो, वो अभी गैराज में है। ड्रेस मटेरियल अच्छा है, शिफॉन। देखो, देख कैसे रहा है मेरी तरफ, मैंने ही बात छेड़ी थी गलती से। इसमें गलत क्या है? मैं खुद किसी से बात करने नहीं जाता, जबान खुलते ही अगले की नजर बदल जाती है। क्या नाम है बेटा? सुनील है? सुनील प्रभाकर त्रिपाठी। जिंदगी में पहली बार नाम बता रहा हूं किसी को, भूल ही गया था। सब लोग एक गुलाब छत पे चलना कह के पुकारते हैं। अबे ऐसे लोगों को पकड़ के नक्शा बदल देने का थोबड़े का मरद है ना तू, गिरेबान पकड़ के एक छापड़ रसीद कर देने का, फिर देखना कौन तेरी मस्करी करता है। छोड़ मुए,
जो 20 साल में नहीं हो सका वो अब क्या होगा? ये तो साला पैदाइशी छगन है। एक्सीडेंट। मेजर, वैसे तुम्हें ये पांच लोग कैसे लगे? ये पांचों अपने काम के हैं। हाँ। ना इनके कोई आगे है ना पीछे, मगर घबराओ मत, तुम लीगल पेपर्स तैयार करके रखो। वासु, जो कुछ भी हो यहाँ से दूर हो तो अच्छा हो, उस हालत में शक की गुंजाइश कम रहेगी। तुम नकली पेपर्स तैयार करके रखो, बाकी खून खराबा मुझ पर छोड़ दो। लेकिन सोचना यह है कि उन्हें तसल्ली कैसे दिलाई जाए। That's your headache. ये सब चाहते हैं नई जिंदगी। तुम लोग नई जिंदगी चाहते हो और मैं भी, लेकिन अपनी इस हालत में मैं अकेले कुछ भी नहीं कर सकता। अब अगर तुम इस वक्त मेरा साथ देते हो तो हम सब मिलकर एक ट्रेवल एजेंसी शुरू कर सकते हैं। मैं जानता हूं कि तुम में से आधे लोग यहां नौकरी ढूंढने नहीं आए हैं, लेकिन ये नौकरी नहीं है, ये कंपनी हम सब की है। मुझे अपनी रोजी रोटी की चिंता नहीं रहेगी और आप लोगों को भी एक नई जिंदगी शुरू करने का मौका मिल जाएगा। पसीने की हर बूंद की कीमत मिलेगी तुम्हें, और यहां कोई किसी का बॉस नहीं है। जिस दिन तुम लोगों ने अपने लिए जीना सीख लिया उस दिन ये खुदकुशी वगैरह सब भूल जाओगे। गैराज में गंदगी है, आप सब लोग गाड़ी के सीटों पर आराम से सो सकते हैं। इन्हें सोचने के लिए वक्त देना चाहिए, पूरी रात पड़ी है इनके पास। गुड नाइट, सी यू इन द मॉर्निंग। क्या ख्याल है मेजर साहब, आदमी तो ठीक लगते हैं। सोचते हैं। इसमें सोचना क्या, खुदा का बंदा है, अपने को काम दे रहा है, इसमें सोचने का क्या? कहाँ जा रहा है भाई? भाई जिंदगी भर अपन गाड़ी में सोए, अपने को यहाँ नींद नहीं आएगी। चलते हैं क्या? अरे रमेश भाई, क्या सोच रहे हो? सोचता हूँ यार, एक आध ऐसी जगह मिल जाए स्टूडियो बनाने के लिए, तो बस मैं और मेरी पेंटिंग्स, बाकी दुनिया चाहे भाड़ में जाए। अरे इंशाल्लाह जरूर होगा, चलो अभी सोने को चल। चलो आप यहाँ क्यों खड़ी हैं? मेरा नाम प्रकाश है। आप? माया। क्या बात है, आप कुछ सोच में पड़ी हैं? पूछ सकता हूँ क्यों? मेरे ख्याल से मेजर अच्छे आदमी हैं, वो हमें नई जिंदगी दे रहे हैं जिसके लिए हम तरसते थे। क्या बताऊँ, डर सा लगता है। डर? किससे? मैं अकेली लड़की और ये सभी मर्द हैं। जिंदगी में मर्द जात से ही धोखा खाया मैंने, क्या फिर इनके साथ रह सकूंगी? इसलिए सोच रही थी यहां आकर मैंने कोई गलती तो नहीं की। आप ऐसा क्यों सोचती हैं? हर मर्द धोखेबाज नहीं होता, वरना सभी औरतें वैसा ही सोचती जैसा आप सोच रही हैं। क्या आपको हम सब बुरे इंसान नजर आते हैं? शायद आपके साथ ऐसा कोई हादसा हुआ हो जिसने आपकी नजर में हर मर्द को धोखेबाज बनाया है, लेकिन हकीकत ऐसी नहीं है। मैं भी यही सोचती थी, लेकिन जिन्हें मैंने अपने पिता से भी बढ़कर माना। अंदर साल में एक बार तो पिकनिक होती है, सब लड़कियां चली गई हैं, मैं भी चली जाती तो आपका क्या बिगड़ जाता? हाँ? क्यों नहीं
जाने दिया आपने मुझे? मैं तबीयत ठीक नहीं है। उफ, कितनी गर्मी है, घर घर जाकर चीजें बेचना कितना अजीब काम है। ऐसे ऐसे नमूने मिलते हैं कि उनका बस चलता ना तो साबुन भी चेक कर देखते कि अच्छा तो है। अंकल आपको क्या हो गया? बहुत गर्मी लग रही है ना? हाँ? ला मैं तुम्हारे कपड़े उतार दूं। ये क्यों रहा अंकल? छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे अंकल, छोड़ दूं? कैसे छोड़ दूं? इस मौके का मुझे कई दिनों से इंतजार था। उसके बाद मर्दों पे से मेरा यकीन नहीं उठ गया। तुम सब और मैं अकेली लड़की, कुछ समझ में नहीं आता। माया, सभी एक जैसे नहीं होते। सबसे डर लगता है मुझको। मुझसे भी? देखो, अगर साथ देने का वादा करो तो हम एक दूसरे का सहारा बन सकते हैं। हम सब एक नई जिंदगी शुरू कर सकते हैं। मैं वादा करता हूं कि कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगा। हाँ, तो वादा रहा साथ जीने का। आत्महत्या नहीं करोगे? मेजर, तुम बहुत डरपोक हो। प्लान फुल प्रूफ है, लेकिन मुझे खून खराबे से डर लगता है। मेजर, होश में आओ। अब इस प्लान को कामयाब बनाने के सिवाय हमारे पास कोई रास्ता नहीं है, समझ गए? हाँ। और मेजर, दुनिया में सभी मरने के लिए आते हैं। ये भी मरने के लिए आए थे और हम इन्हें जरूर मौत देंगे, लेकिन एक सुखद सपने के साथ जिसमें इनके अरमान पूरे हों। क्यों बे, सोने का नहीं? ताला लगाओ अंदर से। अब्दुल, अब ये ताला मैं तुम्हारी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा। चाबी जेब में रख, चाबी जेब में रख। मैंने कहा था ना, ताला मैं तुम्हारी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा।
सोचता हूँ यार एक आध ऐसी जगह मिल जाए स्टूडियो बनाने के लिए, बस मैं और मेरी पेंटिंग्स। मॉर्निंग एवरीबॉडी। एनी गुड न्यूज फॉर मी? यस सर, हमने डिसीजन ले लिया है, आज ही मुहूर्त करेंगे। दैट्स द स्पिरिट। मैं जानता था तुम लोग ना नहीं करोगे। सब लोग राजी है ना? ऐसा कुछ नहीं कह सकते, ये माया थोड़ा हिचकिचा रही थी, मगर प्रकाश के हाँ कहते ही मान गई। और इसके हाँ कहने से मैं गुड न्यूज, मगर काम जल्दी शुरू करना चाहिए और उसके लिए आपको इन पेपर्स पे साइन करने पड़ेंगे। सर कंपनी का नाम तय किया जाए। सर रात को मेरे ध्यान में एक नाम आया, मदर इंडिया ट्रेवल्स। अबे ओए राजकुमार, गाड़ी के पीछे शेर भी लिखना। गाड़ी वाले गाड़ी धीरे हाक रे, इधर उधर हॉर्न प्लीज और बीच में ओके। सर दिक्षी बात करता है। सर कंपनी चालू करने के पहले बिस्मिल्ला के नाम पे शिरडी होकर आना चाहते हैं। वेरी गुड आइडिया। हाँ हाँ ठीक है, लेकिन तुम लोग पहले शहर से होकर तो आओ, कुछ सामान भी लाना है। नहीं नहीं ये अपन से नहीं होगा साहब, आप तो अपना रिकॉर्ड जानते हैं, क्यों इन मौसमों की जिंदगी से खेलने का, ये अपन से नहीं होगा। अरे अब्दुल मियां छोड़ो ये बातें मत सोचो, चलो। नहीं यार देखो है? मेजर साहब जैसे देवता आदमी हमारे साथ हैं, हमें किस बात का डर। अरे अब्दुल भाई कल मेजर साहब से मुलाकात क्या हुई, बरसों के बाद मैंने फिर ब्रश उठाया है, पेंटिंग शुरू की है। भरोसा रखो अब्दुल, सब ठीक हो जाएगा। ये लो लो। चलो यार। दिल की रफ्तार थे लहरा के प्यार थे, यारों की गाड़ी चली। दिल की रफ्तार थे लहरा के प्यार थे, यारों की गाड़ी चली। यारों की गाड़ी के पीछे सब झूठे, सब दे गाड़ी चली।
बीच में कहीं गाड़ी फेल हो गई इन लोगों के, सब किए कराए पर पानी फेर गया है। साला पीछे बोलो भाई। हाँ। अरे गाड़ी को रिपेयर ठीक से कर लो वरना ट्रैवल एजेंसी वगैरह भूल जाना पड़ेगा। हाँ, कोई बात नहीं यार, हम पांच लोग हैं, दूसरी ट्रैवल एजेंसी खोल लेंगे। कौन से बताते हैं जी? गुलाब कंपनी। आप तो फरिश्ता बन गए मेरे लिए मेजर साहब। आपने जिंदगी में कदम क्या रखा, किस्मत खुल गई अपनी, खुदा गवाह। क्या बात करते हो मेजर, हमें एक्सीडेंट करना है क्योंकि हमें लाशें चाहिए, तभी इंश्योरेंस वाले हमें पैसे देंगे, समझे? वासु, क्या हम इन्हें बिना हमारे पैसे नहीं कमा सकते? ऐसी बकवास करते हो मेजर, इतना आगे बढ़ने के बाद मैं पीछे नहीं हटूंगा और तुम्हें मेरा साथ देना होगा।
मैंने ना कब किया है गुड। और इसीलिए तुम्हें उनके साथ ज्यादा इन्वॉल्व भी नहीं होना चाहिए, बाकी सब मुझ पर छोड़ दो। अबे सीधी तरह पकड़ना, काम कहां चल रहा है, लाइट कहां दे रहा है, फोटो निकालता है क्या मेरा, सूरत देखिए कभी आईने में। अरे हाँ नारकली मालूम है चिकनी है तू, चल वो पाना दे 6 नंबर का। अबे ये नहीं वो छोटा वाला 6 नंबर का। मिलते रहना सुबह शाम, अकल बढ़ती जाएगी। ला क्यों हाथ में देने को शर्माता है क्या? ये पाइप कौन सा है? कौन सा? वो ऊपर वाला। ये हाँ? ये ब्रेक पाइप है, ये कट गया ना तो ऊपर का टिकट कट गया समझो। पहले ही झटके में ब्रेक ऑयल बाहर और अंदर वाले वन टच। तुम लोग चलो, मैं साफ सफाई करके आती हूँ। वासु तुमने इन लोगों के बारे में क्या सोचा है? हाँ? बहुत इन्वॉल्व होते जा रहे हो, क्या बात लगता नहीं? नहीं ऐसा कुछ नहीं है वासु, वो मैंने सब कुछ सोच लिया है, लेकिन अभी माया गराज में खाना खा के आता हूँ फिर बताता हूँ। प्रकाश मुझे तो लगता है तुम्हारे साथ के लिए हमेशा तरसते रहना पड़ेगा। क्यों? मेरी सौतन की वजह से। सौतन? ये कौन है? ये यही हमेशा तुम्हें मुझसे दूर ले जाती है। अरे पगली, ये तो हमारे सुनहरे दिनों की दास्तां को कैद करती है। और जब तुम मां बनोगी ना तो बच्चों को इसे पढ़कर पता चलेगा कि हम दोनों आत्महत्या करते करते एक दूसरे पर मर मिटे थे। हाँ प्रकाश, पहले मैं भगवान से अपने लिए कुछ नहीं मांगती थी, लेकिन जब से तुम मिले तब से एक ही दुआ मांगती हूँ उनसे, जीऊं तो तुम्हारे साथ और मरूं तो। आगे मत बोलना, अब मरने के नाम से भी डर लगता है। हम जिएंगे साथ साथ, वादा। सब सो गए। बहुत कुछ नजर आ रहे हैं। हाँ, इस बार ऐसा आइडिया दिमाग में आया है कि अपना काम होकर ही रहेगा, ना किसी को शक होगा और ना किसी को समझाना होगा। लेकिन मैं समझा नहीं। तुम उतना ही समझो जितना तुम्हें समझना चाहिए, समझे? सिर्फ ये सोचो कि कल उन्हें मार्केट में कैसे भेजना है। आखिर तुम चाहते क्या हो? मैं उन लोगों से ये कहूं कि जाओ जाकर बाजार में मेरे लिए खिलौने ढूंढ कर लाओ? आइडिया, कॉन्ग्रेचुलेशंस मेजर, हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे मेजर साहब। कमाल है मेजर साहब, आज आपका बर्थडे है, ये बात आपने कल क्यों नहीं बताई? भाई बात ये है कि आई वांटेड टू गिव यू अ सरप्राइज। आज रात आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ी पार्टी, खुश। लेकिन शराब के बिना पार्टी बहुत खराब लगती है साहब। समझ गया मैं, लेकिन उसके लिए तुम सबको बाजार जाना पड़ेगा। वापस कब तक आ सकते हो तुम? बस जाने में आधा घंटा, आने में आधा घंटा। आधा घंटा आने में? मजाक कर रहे हो क्या? अरे मजाक काहे का, देखो अपना रफ्तार और टाइम का अंदाजा एकदम पक्का है, चाहो तो शर्त लगा लो। अब दुनिया शर्त मत लगाओ। क्यों? गाड़ी की तरफ देखो, बुढ़िया हो गई बेचारी। अरे यार अब्दुल ड्राइवर की सीट पर हो ना, गाड़ी पे जवानी आ जाएगी। मिलते रहना सुबह शाम, अकल बढ़ती जाएगी। भाई एक घंटे में तुम लोगों का लौटना नामुमकिन है,
अरे बोला ना यार, शर्त लगा लो। हाँ मंजूर है, हो जाए। चलो 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 चल, हमारा चलो चलो तुम्हें भी शौक लग गया अकेले शतरंज खेलने का? हाँ बहुत मजा आता है छुपकर वार करने में। दोस्त भी हमी और दुश्मन भी हमी। मेजर सोच समझ कर चला करो, ये चाल अगर आप यहां चलेंगे तो ये प्यादा आठवें घर पहुंचकर वजीर भी बन सकता है। एक गलत चाल हमारे लिए मात साबित हो सकती है, और इस बार हमें हारना नहीं है। हाँ बस और क्या लेना है? क्या लौंडे है रे? अबे कहाँ ले जा रहा है माशी को चिकने? सुनील सुनील, अबे जाता कहाँ है साले? कहाँ चले रानी? छोड़ मुझे, अब झगड़ रहे। अब्दुल भैया ये देखो क्या कर रहे हैं, छोड़ दो मेरा हाथ। ये क्या बदतमीजी हो रही है? अब्दुल भैया जल्दी आओ ना। अच्छा देखो ना, ये है क्या अब्दुल? क्या बात है भाई, जाने दो ना यार। अपने हाथ को अपन भी डरता है, बहुत मनुष्य आता है अपने, काय को झगड़ा करता है। यार मेरी अनारकली को छेड़ रहे थे। अब्दुल तू तो छुपा रुस्तम निकला, मिलते रहना सुबह शाम आता। अरे यार गुलाम ने क्या साली को। अरे कहाँ चल रही है गाड़ी की रोकी? आओ यार यहाँ चाय अच्छी मिलती है ढाबे पर। बैठो अब्दुल भाई, शर्त लगाई है, देख लेना देर हो जाएगी। नहीं माया काफी टाइम है, 15 मिनट में पहुँचा दूंगा। अरे यार आज मेरे गुलाब ने क्या मारा है यार, बिशो बिशो बिशो। अबे तेरे लिए इतनी मारा मारी की, जरा बाजू में आके बैठ। अरे जा 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 ले चाय ले तेरी खाली में। मुझसे भी इतनी अच्छी नहीं बनती। ले भाई बस। अरे अब्दुल भाई तुमसे क्या पैसा ले? अरे ले यार। नहीं 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 जान दो जान। अरे ऐसे अब्दुल बहुत देर हो गई, चल। हाँ चलो चल। अच्छा भाई चलता। हाँ खुदा हाफिज़ खुदा हाफिज़। चलो सुनील जल्दी आओ। हाँ चल 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 चल। ठीक 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 मैं पीछे बैठता हूँ यार, चलो। Thank you.
भैया सर। बासु, बासु क्या हुआ? वो सब बच गए, अब मैं कोई रिस्क नहीं उठा सकता। मतलब अब वो जिंदा रहेंगे? बेवकूफ हो क्या? हमारे जिंदा रहने के लिए उनका मरना बहुत जरूरी है, और वो भी एक्सीडेंट से। आप हमारी जिंदगी में क्या है? वो हम ऊपर वाले से भी जीतने लगा। आपने हमें नई जिंदगी दे दी साहब। आप जीत गए। वो वहां चुका है। बोला आप जीत गए। आप जीत गए। आप जीत गए मेरे साहब। आप जीत गए। आप जीत गए। इसी हालत में मैं रिस्क लेना नहीं चाहता। कोई ठोस सॉल्यूशन चाहिए। हजारों साल साल के दिन हो 50,000। भाई एक बात बताइए कि लोग बाग शराब पीने से पहले चेयर्स क्यों कहते हैं और गिलास क्यों टकराते हैं, बताइए। वो सर आदत से मजबूर है। तुम बताओ प्रकाश। मेजर साहब कभी इस बारे में सोचा नहीं। मैं बताता हूँ। वो क्या है कि शराब में आँख के लिए रंग है, जबान के लिए मजा है, जायका है, नाक के लिए खुशबू है, उंगलियों के लिए छुअन है, लेकिन कान के लिए आवाज नहीं, और इसीलिए होता है ये प्यालों का जश्न। जीते रहना तो बचा मगर बढ़ती जाएगी। इसको लेकर क्या कर रहे हो? बोलो ना क्या कर रहे हो? क्या कर रहा हूँ? कागज काट रहा हूँ। एपिंग जानते हो? हैं? बॉडी पेंटिंग। बॉडी पेंटिंग? हाँ। ए, ए, ऐसे। ये लो, इन्हें कागज नहीं मिल रहे तो लोगों को रंगना शुरू कर दिया। अरे मेरी गुलछड़ी धन्नो, अरे ये क्या खरीदा तूने? ये लिपस्टिक, ये दूसरा, ये चिमटा। अरे अब्दुल भाई वो चिमटा नहीं है, हेयर क्लिप है। हेयर क्लिप माया को गिफ्ट देने वाला था मैं। कब? उसकी शादी में? अरे उसकी क्या जल्दी, अभी बहुत टाइम है उसको। गिफ्ट वगैरह कुछ नहीं, उसके लिए खरीदा इसने। मैं क्या खरीदूं क्या पहनूं, ये आप कौन होते हैं बताने वाले? अरे भैया कुछ भी पहनो, लेकिन इस गुलाबी पैंट के ऊपर पीली शर्ट मत डाला करो। मालूम है कब सुधरेगा। ये लीजिए मेजर साहब, ये पेन यहाँ कौन लाया? मैं लाया। वो मैंने इसे लेने भेजा। होश में रहो, ये क्या कर रहे हो? हैप्पी बर्थडे टू अमेजर साहब। अरे हैप्पी बर्थडे टू अमेजर साहब। थैंक यू। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। अरे प्रकाश कहाँ है भाई? मैं भी उसे बुला के लाती हूँ। जो मैं सुन रहा हूँ वो तुम लोग भी सुन रहे हो या नहीं? आप यहाँ इनविटेशन कार्ड का इंतजार कर रहे हैं? नहीं माया, वहाँ कुछ अच्छा नहीं लग रहा था इसलिए यहाँ चला। तबीयत तो ठीक है ना? हाँ। अब समझी, मैं खाना बनाने में लग गई और आप अपने आप को अकेला महसूस करने लगे। अरे बाबा, मैं सारा दिन आपके साथ बैठ सकती हूँ? माया ये बात नहीं। माया माया कुछ नहीं, और चलो मेरे साथ, सब वहाँ हमारा इंतजार कर रहे हैं। मुझे कुछ अच्छा अच्छा नहीं, 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 नहीं। आज हमारी नई कंपनी शुरू होने वाली है ना, और हम दोनों की नई जिंदगी एक साथ। अब अब सुनो और चलो मेरे साथ। तुम मेरी बात तो सुनो। सब मुझे छेड़ेंगे, करो ना। अरे वहाँ अंदर पार्टी चल रही है। आप आइए आइए आइए। हाँ तो भाई और बहनों, बहनों
माया तो एक ही है। अरे ये दूसरी है ना। हाँ तो भाई और बहनों, अब माया बहन हमें आशा जी की आवाज में गाना सुनाए। वाह भाई वाह, चलो गाओ। नहीं नहीं, मुझे गाना नहीं आता। अरे कम ऑन माया, लेट्स हैव फन यार। नहीं आता मुझे गाना। सुनाओ ना, प्लीज सुनाओ ना, प्लीज सुनाओ ना। मेजर साहब की फरमाइश है, नाम मत करना वरना कन्यादान नहीं होगा। हो जाए। माया एक गाना सुनाओ ना प्लीज। ओके। माया के गाने की खुशी में। I hate you. सच कहता हूं मेजर साहब, ये शरीर या हरकतें, इस नाम और जिंदगी को बदलना मेरे बस की बात नहीं है। तंग आ चुका हूं मैं लोगों की बलात्कारी नजरों से, जो ठंडे सांपों की तरह रेंगती रहती है मेरे बदन पे। दो दिन के लिए मुझे कुछ याद नहीं आ रहा था मेजर साहब, इस जिस्म को भूल जाने का, एक नई जिंदगी शुरू करने का मौका मिला था मुझे, मगर फिर से मुझे उस कीचड़ में ढकेल दिया, इस
कभी इसने आई हेट यू ऐसा नहीं होना चाहिए। पार्टी में तो अक्सर ऐसा ही होता रहता है, ज्यादा सोचो मत इस बारे में। खाना खाना है तो खाओ, नहीं तो जाकर सो जाओ वैन में। माफ करना सर। ठीक है जाओ। तुम सो जाओ, मैं चलता हूं। आज सबको वैन में ही सोना है। बासु, इसमें क्या है? उन पांचों की मौत, डीजल। थैंक यू फादर। आपको थोड़ा कष्ट देना चाहता हूँ। ये अशोक है, स्टेशन पर मिला, अनाथ है बेचारा। सोचा कि आपके पास रहेगा सुधर जाएगा। जरूर जरूर। गॉड ब्लेस। आइए आइए प्लीज। चलो बेटे, चलो चलो चलो, तेरा ठिकाना लग गया। ऐसे दाद देनी चाहिए हुसैन साहब आपके काम। मेरी डायरी में गुड डीड सबसे ज्यादा आपके ही नाम की है। ये बैठे प्लीज। कृपा है उसकी फादर। गुड मॉर्निंग फादर। गुड मॉर्निंग बेटे। रवि सुनो, देखो ये अशोक है, आज से ये भी हमारे साथ ही रहेंगे। हाँ जाओ अंदर ले जाओ। जा बेटे जा। सुनाइए फादर, आपकी गाड़ी तो ठीक है ना? अरे आपको याद है हुसैन साहब, उस दिन हम गैरेज में मिले थे, जहाँ पे वो एक क्रिपल्ड मेजर था और उसके साथ पांच लोग। हाँ क्या हुआ उसे? नहीं उसको तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन वो पांच लोग थे ना, उनमें से चार की एक्सीडेंट में मौत हो गई। अरे अरे बहुत बुरा हुआ। पर ये हुआ कैसे? पूरी की पूरी गाड़ी जल गई। बहुत ही बुरा हुआ फादर, ऐसे जवादिल लोग। पता नहीं फादर, ये गुंडागर्दी और 420 करने वालों के बोझ से दबी इस दुनिया का क्या होगा। जब तक आप जैसे लोग हैं तब तक चिंता की कोई बात नहीं है हुसैन साहब। अच्छा तो चलता हूँ फादर। गॉड ब्लेस। हेलो पार्टनर, तुम अच्छे हो? बाहर का काम संभालते हो तो कम से कम बाहर आना जाना तो लगा ही रहता है। मैं जब से यहां आया हूं कहीं गया ही नहीं, बोर हो गया हूं मैं यहां रहते रहते। बस अब थोड़े दिनों की बात है, तुम्हें बाहर नहीं निकलना चाहिए। और फिर इस हालत में मैं तुम्हें बाहर ले गया और तुमने किसी से कुछ कह दिया तो एक नया झंझट खड़ा हो सकता है। ये अच्छा हुआ इंक्वायरी में किसी ने कुछ ज्यादा नहीं पूछा। पूछेंगे क्यों है? आदमी चार थे या पांच ये सिर्फ हम दोनों जानते हैं, और लाशें गिनकर ही हमने पैसे क्लेम किए हैं। मगर मेरा दम घुटता इस गैरेज में, उसी दिन भाग जाते यहाँ से तो मेरा पीछा छूटता। वाह ऐसी जगह कहाँ मिलेगी गुरु है? चार पांच महीनों से कुत्ता तक नहीं आया और भाग जाते कहीं तो ये काम कौन करता? तुम्हारे दिमाग का भूत। मैं भी चलता हूँ तुम्हारे साथ। कहाँ? शहर में। नहीं मैं सिर्फ नाके तक ले जाऊंगा, कोई रिस्क नहीं लेनी चाहिए हमें। पहन लो चलो।
छुप जाओ, छुप जाओ। सठिया गए हो क्या? हर एक लड़की तुमको माया ही दिखती है। जाओ जाओ गैराज में जाओ, तुम्हें बाहर नहीं आना चाहिए। मैं अभी आता हूँ। जाओ जाओ।
सलाम साहब। कैसे हो? ठीक हो साहब। यहाँ कौन आया था? अभी अभी गया साहब। उम्र लंबी है हम दोनों की, किस्मत अच्छी थी इसलिए बच निकला मैं। पुलिस? हाँ। उन्हें किसने बताया? बताएगा कौन, जरूरत क्या है? हम लोग जेल से भागे सब जानते। यार ये गराज जमीन बेचकर फूट लेते हैं यहाँ से, मैं कल ही ऐड देता हूँ। हाँ, ये जगह हम इसलिए मुआफी खाई क्योंकि यहाँ आता नहीं है कोई। अब अगर ऐड देते हैं तो 25 लोग आने शुरू हो जाएंगे रोज। यार एक बात हो सकती है, मिस्टर मुदलियार, जब तक मेजर साहब खुद यहां आकर इन पेपर्स पर साइन नहीं करते तब तक हम सॉरी कुछ नहीं हो सकता। लेकिन माखीजा साहब, मैं पहले ही बता चुका हूं कि मेजर अपाहिज है। तो फिर ऐसा करते हैं, मैं आपके साथ बतौर गवाह के चलता हूँ उनके यहाँ। नहीं, आप क्यों तकलीफ उठाते हैं, मैं साइन करवा के लाता हूँ, अब सिर्फ ओके कर दीजिए। मेजर जिंदा तो है ना? हाँ बिल्कुल जिंदा है। तो फिर क्या प्रॉब्लम है? हर प्रॉब्लम की कीमत होती है, यू कोट योर प्राइस। 10, 20, 30, 50। देखिए इस तरह की बातें यहां ऑफिस में नहीं की जाती, आप फोन कर लीजिए। ओके, समझ गया, मैं कल आपको फोन करता हूं। ये देख काम बन गया, जल्दी से इन कागजात पर साइन कर दो। लो जल्दी। बासु। हाँ। गैरेज में मेरा दम घुटता है, मैं यहाँ ज्यादा नहीं रह सकता। अरे पैसे मिल जाएंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। पैसा पैसा पैसा, मुझे पैसा नहीं चाहिए, आजादी चाहिए, आजादी, वरना मैं मर जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा। मरना तो है तुम्हें एक दिन, लेकिन ऐश करके मरेंगे। यार तुम कुछ परेशान से नजर आ रहे हो, ये गोलियां खा लो कुछ। और हाँ, ये तुम्हारे चहेते लोगों के स्लाइड्स देखते रहो, मैं तब तक आता हूं। हेलो। हेलो मिस्टर माखीजा। यस। मुझे कैश चाहिए। जी वो तो बहुत मुश्किल है, आप तो जानते हैं हर मुश्किल बात आसान हो सकती है। अब मुझे जरा सोचने दीजिए। कौन? वासु कैश चाहता है। देखिए मिस्टर वासु, इस बारे में मुझे अपने बॉस से बात करनी पड़ेगी। दे देते हैं, बैंक में बुला लीजिए। मिस्टर मुदलियार, मैं प्रॉमिस तो नहीं करता, लेकिन ऐसा कीजिए आज शाम को ठीक 6 बजे मुझे बैंक में मिलिए। ये हुई ना बात? डन।
जिंदा नहीं रह सकते मेजर। तुम सालगिरह मना नहीं सकते मेजर, तुम्हारी मौत आई है मेजर। तुम जिंदा नहीं रह सकते मेजर, तुम जिंदा नहीं रह सकते मेजर, तुम जिंदा नहीं रह सकते मेजर। मैंने नहीं मारा तुम्हें, मैं भी खिलौना बन गया था बद्री के हाथ का, लेकिन अब इस घुटन से बचने का बस एक ही रास्ता है, बद्री की मौत। रजिस्टर और कैश केबिन में मंगवाओ जी, मुझे कैश चाहिए। जो पुलिस ऑफिसर है उसे अंदर बुलाओ। स्टेशन तक जाना है। एक विशेष प्रसारण। पुलिस मुख्यालय से मिली सूचना के अनुसार दो खतरनाक कैदी जेल से फरार हो गए हैं। उनका हुलिया इस प्रकार है, नाम जगमोहन शर्मा उर्फ जग्गा, उम्र 36 वर्ष, कद 5 फुट 9 इंच, रंग गोरा, बालों का रंग भूरा काला, नाम बद्रीनाथ चावला उर्फ बद्री, उम्र 38 वर्ष, कद 5 फुट 7 इंच, रंग काला, बालों का रंग काला। सभी लोगों को पहचानता जाता है कि ये मुजरिम कहीं भी नजर आए तो फौरन पुलिस से संपर्क करें। और अच्छी तरह जानता हूँ इनका ठिकाना भी। पुलिस कमिश्नर, चलिए मेरे साथ। क्राइम ब्रांच, आइए प्लीज। दूरध्वनि क्रमांक 100। सूचना समाप्त हुई। अगर आपकी बात सही है तो यहाँ के 5 लोग भी गायब हो चुके हैं, और कोई है जो हमारी मदद कर सकता है? फादर ब्रगांजा। फादर? फादर, सेव मी फादर,
कई महीनों से चैन की नींद नहीं सो पाया। आई वॉन्ट टू कन्फेस फादर, उन मासूमों को नई जिंदगी के सपने दिखाकर आत्महत्या से बचाना चाहता था मैं, लेकिन आज खुद आत्महत्या करने की हालत में, इस घुटन से तो सलाखों वाली जेल ही बेहतर है। मैं पुलिस के सामने एक माले जुर्म करना चाहता हूं फादर। सेव मी फादर। पुलिस से जाकर कहोगे? पुलिस ने तो अब तक चारों तरफ नाकेबंदी कर दी होगी। मैं जानता था कि डर के मारे तुम ऐसी हरकत कर बैठोगे। अच्छा हुआ कि मेरे ही सामने बग दी तुमने ये सारी बातें। दूसरा कोई होता तो हम फंस जाते। अब चलो उठो यहां से। पागलपन है, अब के गोली घबराहट नहीं चलेगी। सीधे पुलिस स्टेशन चलो। इतने दिन की मेहनत पर पानी फेर दूं क्या? फिर से जेल की हवा खानी है? मेरे लिए जेल से छूटने का बस एक ही रास्ता है, पुलिस स्टेशन। चलो अफवाह बंद कर। बड़े मोहरे तो तुम हो जग्गा, तुम्हें तो सब कागजात तैयार करके दिए थे मुझे। वैसे अब मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं। गोली से तो मैं तुम्हें कभी भी मार सकता हूं, लेकिन तुम्हारी घबराहट ही मेरे लिए सबसे बड़ा हथियार है। इसलिए मैंने तुम्हारे मन में शक पैदा किया चार लाशों के बारे में, कि पांच की चार कैसे हो गई। याद है जगह, पार्टी के दिन सुनील नाराज होकर गैराज के बाहर चला गया था। गाड़ी में सोने से पहले ही गाड़ दिया था मैंने उसे। भी जिंदा रख के कोई सबूत नहीं छोड़ने वाला हूं मैं, हाँ? लेकिन इस खिलौने से नहीं। अरेस्ट जगह। इंस्पेक्टर साहब, अब मैं आजाद हूं, बिल्कुल आजाद हूं।